दोस्तों आज हम आए हैं करंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि नागपुर डिवीज़न में ये आता है, भिवापुर के पास। इसकी जंगल सफारी हमने सुबह की ली है। नमस्कार दोस्तों, हम लोग हैं करंडला रिजर्व टाइगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के करंडला तालाब पर, और हम लोग आनंद ले रहे हैं सूर्योदय का। बस अभी सूर्योदय हो रहा है, आप एक डेंस फॉरेस्ट देख रहे हो। इस फॉरेस्ट में सारी प्रकार की वनस्पति प्रजातियाँ सभी आ जाती है, जैसे महोगनी, सागवन, हिरडा, भेड़ा, शीशम, चिचवा। इसके अलावा इस तालाब पर पानी पीने के लिए सारे जंगली प्राणी मौजूद रहते हैं, जिसमें डियर, माउस डियर, बार्किंग डियर, बियर, इवन टाइगर, लेपर्ड, और वो सारे जंगली प्रजाति के सारे जानवर यहाँ पर नज़र आते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये मचान पूर्ण रूप से लोहे की है। इसमें इसका जो टॉप है, जहाँ पर आउटर स्पेस लगभग 3 फीट का दिया हुआ है, इसकी स्टेप्स भी पूरी लोहे की है, और यहाँ पर सबसे टॉप में बैठने के लिए या सोने के लिए लकड़ी की पट्टियाँ रखी हुई है। इस तरीके से ये मचान अपने आप में एक विहंगम नज़ारा देती है, और यहाँ से जंगली जानवरों को तालाब की ओर जाते हुए पानी पीते हुए देखने का अद्भुत नज़ारा देखने मिलता है। जंगल की विशेषता यह है दोस्तों कि यहाँ पर सभी प्रकार के औषधि वनस्पति भी मिल जाती है, साथ साथ सभी जंगली प्राणी भी यहाँ पर मिल जाते हैं। आज की ये हमारी एकदम पहली जंगल सफारी है, जो सुबह 6 बजे शुरुआत हुई है। यहाँ से हम लोग पुलर गेट पर जाने वाले हैं, जो कि गोठनगांव रेंज में आता है, और इस जंगल की संपूर्ण वन संपदा को हम नज़दीक से देखने वाले हैं। इस जंगल का लुत्फ़ उठाते हुए, आनंद उठाते हुए हम लोग यहाँ पर जंगल सफारी करने के लिए आए हुए हैं। यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में नागपुर से 58 किलोमीटर तथा भंडारा से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस अभयारण्य का विस्तार भंडारा जिले के पौनी तहसील तथा नागपुर जिले के उमरेड, कुही और भिवापुर तालुका में फैला हुआ है। इस अभयारण्य में टाइगर, लेपर्ड, बायसन, बियर, माउस डियर, बार्किंग डियर, वाइल्ड डॉग्स, जंगली सुअर, नील गाय, चीतल, सांबर आदि जानवर पाए जाते हैं। इसके अलावा पेंगोलिन और हनी बैजर्स जैसे दुर्लभ जानवर भी पाए जाते हैं। इस अभयारण्य के पूर्वोत्तर में गोसेखुर्द डैम, दक्षिण में भिवापुर शहर, पश्चिम में उमरेड शहर स्थित है। यहाँ से ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प की सीमा 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर पक्षियों की 90 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती है, जिसमें 10 से अधिक प्रवासी पक्षी अर्थात माइग्रेटरी बर्ड्स पाए जाते हैं। इस अभयारण्य में पर्यटकों को दिन में 2 बार लगभग 45 किलोमीटर तक जंगल सफारी कराई जाती है। हाल ही में बाघों की संख्या बढ़ने के कारण उन्हें देखने के लिए पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। इस अभयारण्य के 3 प्रवेश द्वार हैं, जिसमें करांडला एंट्री गेट, पौनी एंट्री गेट और गोठनगांव एंट्री गेट प्रमुख है। दोस्तों यह है कुही मांडड़ का जंगल, और यह चल रही हमारी जंगल सफारी। आप देख रहे हैं कितना घना जंगल है। यहाँ का घास भी बहुत बड़ा है, विशेष प्रजाति का है।
वो देखो कितने का।